गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द दिल्ली सल्तनत। आज इसका रिवीजन होगा। दिल्ली सल्तनत की जो बिगनिंग है वो 1206 CE से मानी जाती है 1526 CE तक। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आईं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। ठीक है, एक एक करके हम इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी जो स्टार्ट मानी जाती है वो 1206 CE से 1290 CE तक मानी जाती है, जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे इंडिया के। इसके बाद इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश 1211 CE में आए 1236 CE तक। ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। ठीक है, इन्होंने ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार एंड बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार स्टार्ट करवाई थी उसको जो कंप्लीट कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। इसके बाद रजिया सुल्तान आई 1236 CE में और 1239 तक इन्होंने शासन किया। ये एक एबल रूलर थी। इन्होंने लॉ और ऑर्डर अपने किंगडम में इस्टेब्लिश किया और इनको जो चहलगानी के जो नोबल्स थे 1240 CE में उनके द्वारा इनको मार दिया गया। इसके बाद बलवन आए 1266 CE में जो 1286 CE तक रहे। ये एक अच्छे सुल्तान थे। काफ़ी वीक रूलर्स के बाद ये एक अच्छे सुल्तान आए और इसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को डिफेंड करने के लिए जो मंगोल इन्वेजन से डिफेंड करने के लिए अपने एम्पायर को काफ़ी बचाया। मींस मतलब जो मंगोल का इन्वेजन था, जो मंगोल लोग बार बार आक्रमण कर देते थे, उससे उन लोगों से अपने एम्पायर को डिफेंड किया, अपने एम्पायर को बचाया और इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज़ किया। इसके अलावा इन्होंने सिजदा की जो प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट की। ठीक है, इस तरीके से ये स्लेव डायनेस्टी चली। इसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी जो स्टार्ट मानी जाती है वो 1290 CE से मानी जाती है 1320 CE तक। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो अलाउद्दीन खिलजी माने जाते हैं जो 1296 CE में आए और 1316 CE तक बने रहे। ठीक है, ये फर्स्ट तुर्किश सुल्तान थे जिन्होंने कि एम्पायर जो था अपना इंडिया में बनाया था। इन्होंने गुजरात, मालवा, चित्तौड़ और जालौर को कॉन्कर्ड कर लिया था। इन्होंने बोल्ड मार्केट की जो पॉलिसी थी उसको एडॉप्ट किया था और जो कमोडिटी के जो प्राइजेस थे उनको भी इन्होंने कंट्रोल किया। इसके अलावा इन्होंने लैंड पर रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। जो रेवेन्यू लिया जाता था वो हाफ द पीजेंट प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूस होता था उसका हाफ लिया जाता था। इसके अलावा ये अपने जो सोल्जर्स होते थे उनको फिक्स सैलरी देते थे कैश में और इनके जो हॉर्सेस होते थे वो ब्रांडेड होते थे। ठीक है, इसके अलावा तुगलक डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो तुगलक डायनेस्टी 1320 CE में स्टार्ट मानी जाती है और 1398 CE तक मानी जाती है, जिनके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक माने जाते हैं। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जूना खान एंड ही टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल इनको दिया गया था। इसके अलावा ये ब्रिलियंट आइडियाज़ वाले मैन थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे और इन्होंने डेक्कन और साउथ स्टेट, उड़ीसा और बंगाल को अपने एम्पायर को कवर्ड कर लिया था। वहाँ पर इन्होंने इनका जो एम्बिशस था वो था शिफ्टिंग द कैपिटल को शिफ्ट करना। इन्होंने जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी वो की थी दिल्ली से दौलताबाद। इसके अलावा टोकन करेंसी, ये भी इनका एक एम्बिशस था। ठीक है, इसके बाद आए फिरोज़ शाह तुगलक जो 1351 CE में आए।
ही सक्सीडेड मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने भी काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स एडॉप्ट की कॉमन पीपल के लिए, जैसे इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, डग कैनाल्स एंड वेल्स इन्होंने बनवाए, स्कूल ओपन करवाए, मदरसे ओपन करवाए। इसके अलावा इन्होंने कुछ न्यू टाउन्स बिल्ड किए जैसे जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद। इसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की जो बिगनिंग मानी जाती है वो मानी जाती है 1451 CE में और 1526 CE तक मानी जाती है। बहलोल लोधी जो थे वो इसके फाउंडर थे, जिन्होंने 39 ईयर रूल किया था। इसके बाद सिकंदर लोधी आए, ये एक ग्रेटेस्ट लोधी रूलर थे। इन्होंने जौनपुर, बिहार और गंगा वैली को कॉन्कर्ड कर लिया था एंड ही शिफ्टेड इस कैपिटल टू आगरा। इसके बाद इब्राहिम लोधी आए, जो कि सन थे सिकंदर लोधी थे लोधी के। इन्होंने इनको सपोर्ट था अफगान नोबल्स का एंड ही वाज डिफीटेड बाय बाबर। बाबर के द्वारा डिफीट हो गए और बाबर जो थे उनको इनवाइट किया गया था। किसके द्वारा इनवाइट किया गया था? इब्राहिम लोधी जो थे, इब्राहिम लोधी जो कि दौलत खान लोधी के जो उनके अंकल थे दौलत खान लोधी, उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, जब बाबर यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया इब्राहिम लोधी को डिफ़ीट करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 CE में स्टार्ट हुई और 1526 CE तक इसका एंड हो गया। थैंक यू।